क्षेत्र के कक्ष क्रमांक 243 मांडव बिट में अतिक्रमण रोधी कार्य करने जेसीबी मशीन लेकर पहुंचा वन अमला। वन अमले पर नवाण माफियों ने किया लाठी डंडों से हमला। नेपा नगर रेंजर सहित वन अमले का किया घेराव। नवाण माफियों ने वन रक्षक महिलाओं पर किया हमला हो गए और धमकी देकर महिलाओं को आगे कर कार्य में इन्होंने बाधा पहुंचाई। जेसीबी के सामने जो है पुरुष लोग लेट के विरोध किए और महिलाएं सामने खड़ी हो गई और महिला वन कर्मियों से मारपीट की। 20-25 महिला वन स्टाफ थे, उनके साथ इस प्रकार की हरकतें महिला अतिक्रमणकारी द्वारा की गई और पुरुष अतिक्रमणकारी जो है वो तीर गोफन से हमले का प्रयास किया और धमकियां दी। बड़वा आगामी चुनाव एवं त्योहारों के मद्देनजर एसपीडी के कल्याण चक्रवर्ती के निर्देशन एवं एसडीओपी मानसिंह ठाकुर के मार्गदर्शन में बुधवार को पुलिस प्रशासन का पैदल फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें टीआई शशिकांत चौरसिया एवं खरगोन आरआई रणजीत चौहान के नेतृत्व में 150 से अधिक पुलिस जवान कदम ताल से चल रहे थे। पैदल मार्च शाम 5 बजे स्थानीय थाना परिसर से शुरू हुआ, जो नगर के अति संवेदनशील मार्गों से होता हुआ पुना थाना परिसर पहुंचा, जहां पर पैदल फ्लैग मार्च का समापन हुआ। मुख्यालय से श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार आगामी विधानसभा के चुनाव को देखते हुए आचार संहिता लागू को देखते हुए बदमाशों पर अंकुश लगाने पब्लिक को भरोसा दिलाने और साथ ही नवदुर्गा उत्सव भी शुरुआत से हो रहा है, उस मद्देनजर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हम लोगों ने संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया ताकि आगामी समय में शांति व्यवस्था बनी रहे। सिराली आदिम जाति सेवा समिति के द्वारा लगभग 14 गांव के आदिवासी किसानों को खाद एवं बीज वितरण एवं बीमा राशि नहीं मिलने के कारण परेशान थे। किसानों के साथ लेकर कुंवर अभिजीत शाह जिला सहकारी बैंक पहुंचे। उन्होंने बैंक के अधिकारियों को किसानों की समस्या बताई, जिस पर अधिकारियों के द्वारा तुरंत किसानों की समस्या का समाधान किया गया। सिराली से असलम मंसूरी की रिपोर्ट। नगर पालिका निगम चिरमिरी के वार्ड नंबर 6 एवं 7 के निवासियों ने अपनी परेशानियों के बारे में बताते हुए कहा कि हमारे वार्ड में कई बार सौंच कर एवं सड़क मार्ग बनाने का सर्वे किया गया, परंतु कुछ ही स्थानों में सौंच कर नगर पालिका निगम चिरमिरी द्वारा बनाए गए, जबकि हम लोग इस संबंध में कई बार पार्षद से बोल चुके हैं, उसके बावजूद भी हमारे वार्ड में सौंच घर का निर्माण नहीं किया जाने के कारण हमें आज भी सौंच के लिए बाहर जाना पड़ता है। छत्तीसगढ़ से आर स्टीवन की रिपोर्ट। और शौचालय आदि जाके देख लीजिए, 8-10 ठो घर है हम लोग का यहाँ पर, एक भी किसी एक घर में मतलब शौचालय नहीं बना है। कई बार आते हैं मतलब जांच वाँच नगर निगम के तरफ से किया शौचालय के लिए, सर्वे के लिए शौचालय बना है या नहीं बना है, देख करके जाते हैं, अभी बनेगा इस बार बनेगा ऐसे बोल करके और चले जाते हैं।